नमस्कार दोस्तों, हमारे बी एस शर्मा बात द्वारा चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सातवें दिन की पुरुषोत्तम मास की सातवें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री नारायण पुरुषोत्तम मास को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जो है पुरुषोत्तम मास पर कृपा कर रहे हैं। कल की कथा में आपको बताया था हमने, छठे दिन कथा में, कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को, मल मास को पुरुषोत्तम मास का नाम दिया, उसको पुरुषोत्तम रूप दिया। पुरुषोत्तम सभी पुरुषों में उत्तम, दिव्य महापुरुषों में भी परम श्रेष्ठ, उसी पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, वही नाम एक मल मास को दे दिया। इतने दयालु हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अनंत है, उनकी महिमा का कोई भी पार नहीं पा सकता। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों से कहते हैं कि मैंने अपने गोलोक धाम में भगवान विष्णु के द्वारा लाए हुए पुरुषोत्तम मल मास पर कृपा करी। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास नाम देकर के अधिक मास से कहा कि हे मलमास, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं तुझे अपने 36 गुण दे रहा हूं। 36 गुण केवल परमात्मा में है और किसी में ही नहीं। मैं अपनी संपूर्ण कलाएं तुझे दे रहा हूं, मैं अपना संपूर्ण ज्ञान तुझे दे रहा हूं, वरदान देने की शक्ति तुझे दे रहा हूं, और जो मेरे भक्त होंगे वो भी तेरी पूजा करेंगे। मेरी पूजा का और तेरी पूजा का बराबरी फल प्राप्त होगा। जगत में संसार का तुझे स्वामी माना जाएगा, मेरे समान तू संसार में सबका स्वामी, सभी मासों का स्वामी होकर के विचरण करेगा। पूजने वालों के दुख दरिद्रता का संताप का नाश करेगा। जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे पुत्र देना, धन प्राप्ति की इच्छा हो उसे धन देना, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो उसे मोक्ष प्रदान करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गणराज विष्णु, मां भाग्यशाली यति ब्रह्मचारी, महात्मा निराहारी भी जिस परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, जहां पर मेरे आपके भक्त भी बड़ी बड़ी तपस्या करके प्राप्त होते हैं, इस मल मास में पुरुषोत्तम नाम से पूजा करेंगे तो बिना ही परिश्रम के वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। सभी साधनों में श्रेष्ठ, काम अर्थ देने वाला ये पुरुषोत्तम मास सेवन के योग होगा। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे पुरुषोत्तम मास में पुण्य कोई जरा सा भी करता है वो कई गुना हो जाता है। कोई चतुर्मास के व्रत और यज्ञों के द्वारा स्वर्ग में जाके वहां के भोग भोग करके पृथ्वी पर वापस आ जाता है, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक पूजा करते हैं, पुरुषोत्तम मास के नियम निभाते हैं, वो अपने साथ में अपने 21 पीढ़ी तक भी वैकुंठ ले जाते हैं, अपने पितरों का भी उद्धार कर देते हैं। इतना पुरुषोत्तम मास की महिमा है। पुरुषोत्तम मास के बराबर महिमा किसी की नहीं है, सभी मासों से ज्यादा है, हर 30 वर्ष आता है। अपने कुल का उद्धार करके असंभव कार्य को भी संभव कर देता है और सभी मुझको प्राप्त हो जाते हैं। जो मां ज्ञान मनुष्य इस महीने में जप दानाद नहीं कहते, जिनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान का जप नहीं कहते, पूजा पाठ नहीं कहते, दान पुण्य कहते, अच्छे कर्म नहीं कहते, देवता तीर्थ ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, वो दुष्ट भाग्य वाले मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जैसे बिना सींग का पशु संसार में भ्रमण करता है, वैसे भ्रमण कहते हैं वो मनुष्य। मूर्ख मनुष्य मल मास का तिरस्कार करेंगे, धर्म का आचरण नहीं करेंगे, तो उनको जो है सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बड़े प्रेम के साथ में भगवान श्री हरि का ध्यान करेगा, पुरुषोत्तम मास में
जप दानादि करेगा, पूजा पाठ करेगा, यज्ञ हवन करेगा, अनुष्ठान करेगा, काम क्रोध मद लोभ पर विजय प्राप्त करेगा, वो मनुष्य अज्ञान रूपी दुख में पड़ा हुआ है तो उससे भी मुक्त हो जाएगा, उसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर अज्ञान में भी अगर मेरी कथा सुन लेगा, इस पुरुषोत्तम मास का सेवन कर लेगा, उसके सारे पुण्य उदय हो जाएंगे, स्त्रियां सुभाग्यवती हो जाएंगी। जो स्त्रियां इस पुरुषोत्तम मास की कथा सेवन करेंगी, नित्य नियम करेंगी, पुरुषोत्तम मास में पूजन करेंगी, दान पूजा करेंगी, उनको मैं सौभाग्य दूंगा, संपत्ति दूंगा, सुख दूंगा, पुत्र भी दूंगा। और जो मेरे इस मास में पूरा महीना जिस कामना से ध्यान करेंगी, वो सारी सुख संपत्ति प्रदान करूंगा। भाई पुत्र धन इन सब का सुख तो उनको सुख में भी प्राप्त नहीं हो रहा हो तो उन्हें भी प्राप्त हो जाएगा। जिनको ये सुखी नहीं है, पारिवारिक सुख, भाई का सुख, पुत्र का सुख, पति का सुख, हर सुख अधिक मास के कथा सुनने से ही, इस महीने में नियम रखने से ही प्राप्त हो जाएगा। पर इस महीने में ये ध्यान रखना, झूठ कपट छल द्वेष सब छोड़ देना, गलत आचरण मत करना, मांसाहारी भोजन मत करना, नित्य नियम धारण करना। सभी मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा दपाद करना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा करी, वह धन पुत्र का सुख भोग करके अंत में गोलोक धाम को वास करेगा। ध्यान रखना भक्तों, कथा सुन करके, कथा सुन रहे हो तो कथा सुनने के बाद में जब कथा का विश्राम होता है तो कथा कहते हैं कि कथा सुनाने वाले वक्ता से कथा सुनते हैं तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ जाता है, उसको अपनी श्रद्धा के अनुसार दान जरूर करो। किसी ब्राह्मण से कथा सुनो आप तो उसे ब्राह्मण को श्रद्धा से दान जरूर करना। किसी ब्राह्मण से पूजा पाठ कराओ, कथा सेवन करो, दान पुण्य कराओ, कुछ भी कराओ, और उससे कुछ भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो बिना ऋण के मुक्त नहीं हो सकते, उसका ऋण आप पे चढ़ जाता है, इसलिए उसे दान पुण्य जरूर करना, अपनी श्रद्धा से निकालना चाहिए तो कई गुना सफल हो जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण के मुख से कथा सुनकर के ब्राह्मण को यथाशक्ति जो दान पुण्य कहते हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान उनकी सभी मन इच्छा प्राप्त कर प्रदान करते हैं, जो भी मन में इच्छा हो उस इच्छा को पूरी करते हैं। मेरी आज्ञा से हे मलमास, अब तुम सभी मासों में उत्तम होकर के रमापते भगवान विष्णु के साथ में वैकुंठ लोक में वास करो। पुरुषोत्तम मास को भगवान ने जो वैकुंठ का वास दिया, और तुम चिंता छोड़कर के वैकुंठ में रहो, तुम्हारे भक्त भी वैकुंठ का आनंद सुख प्राप्त करेंगे, तुम्हारी श्रेष्ठता सबसे ऊपर किए देता हूं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जो है पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं। भगवान श्री नारायण की कृपा से आज एक मल मास जो है, जो सबसे निष्कृष्ट था, संसार उसका सम्मान नहीं करता था, भगवान के समान हो गया। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई और नहीं हो सकता, ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए अधिक मास में जो भी भक्तजन सिद्धा के साथ में कथा श्रवण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को सिद्धा के अनुसार दान पुण्य करते हैं तो उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उनकी भाग्य की छाया पलट जाती है, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।